गाइस, मेरा नाम है अमन और आज हम लोग स्कैरी स्टोरीज देखने वाले हैं। ये स्टोरी का नाम ट्रू स्कैरी स्नो स्टॉर्म स्टोरी है। लेट्स बिगिन। ये कॉमन नोन बात है, अगर कोई पहाड़ों में ये कॉमन नोन बात है, अगर कोई इंसान स्नो स्टॉर्म के चलते फंस जाए तो उसे अपने घर में पनाह दे देते हैं। लेकिन इस स्टोरी में मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि मैं एक घर से मदद ले रहा था। एक वीकेंड को मैं हंटिंग के लिए निकला था। वो एक सनी हॉट दिन था, लेकिन शाम होते ही काले बादलों ने रुक लिया। मैं एक सनी हॉट दिन से एक स्नो स्टॉर्म में फंस चुका था और एक अनसक्सेसफुल हंटिंग दिन के बाद, जिसमें शायद मैंने किसी भी जानवर को मार नहीं गिराया था, मैं एक पडल में फंस गया था कि मैं अपने घर तक भी नहीं पहुंच सकता था। स्नो स्टॉर्म को देखकर मुझे पता चल गया था कि मुझे किसी के घर में रहने के लिए मदद मांगनी होगी। मुझे एक कैबिन दिखा जो झाड़ियों के सर्कल के बीच में था। उस घर की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन मुझे मदद तो मांगनी थी, तो मैंने उस घर के दरवाजे पर नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के नजदीक से मुझे फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो फुटस्टेप्स दरवाजे के पास आ रही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि आई एम लॉस्ट, मुझे मदद की जरूरत है। दरवाजा आधा खुला और मैंने घर के अंदर से आवाज सुनी, अंदर आ जाओ, अपने जूते घर के बाहर ही रखना। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा रहा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि दरवाजा पूरी तरह खुलेगा और जो इंसान मुझसे बात कर रहा है वो मुझे ठीक से ग्रीट करेगा जैसे कोई भी करता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैंने दरवाजा पुश किया और मैं उस डार्क केबिन के अंदर घुस गया। रूम में बस दो कैंडल चल रही थी। उस कैंडल्स के लाइट के वजह से मुझे बस काउच दिखाई दे सकता था। उस इंसान ने मुझे काउच पर ही सोने के लिए कहा। अगर उस इंसान की बात करूं जिसने मुझसे बात की थी, उसकी बस मुझे रूम के कोने में परछाई ही दिखाई दे रही थी। वो दो कैंडल्स की लाइट रूम के कॉर्नर तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी गन फ्लोर पे रखी और उस काउच पे बैठ गया। मैंने उस इंसान को थैंक यू कहा उसके घर में मुझे पनाह देने के लिए। उसने कुछ भी नहीं कहा। वैसे देखा जाए तो उसका बिहेवियर इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पे शायद से इंसान वियर्ड ही रहते होंगे, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने सोचा कि अगर वो कॉन्वर्जेशन नहीं करना चाहता है तो मैं अभी सोने के लिए जाता हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। मैं आग बंद करके इस बात का वेट कर रहा था कि उसकी फुटस्टेप्स वहां से निकलने की सुनाई दे, लेकिन मुझे उसके फुटस्टेप्स की आवाज वहां से निकलती हुई नहीं सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा वो परछाई अभी भी वहीं पर है जहां पे पहले थी। मैंने उसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी सोने वाला हूँ, थैंक यू। कोई भी जवाब नहीं आया। मैं अभी लेफ्ट साइड में टर्न होके सोया ताकि मैं टेम्प्ट ना हो आंखें खोलकर ये देखने के लिए कि वो इंसान वहां से गया या नहीं। कुछ समय बीत गया, लेकिन वहां से निकलने की उसके फुटस्टेप्स की आवाज मुझे अब तक नहीं आई थी। मुझे क्यूरियोसिटी खा रही थी। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और उस डायरेक्शन में देखा जहां पे वो खड़ा था। इस बार उसकी परछाई नजदीक आ चुकी थी। इनफैक्ट इतनी नजदीक आ चुकी थी कि कैंडल लाइट्स की वजह से उसका चेहरा भी एक्सपोज हो गया था। एंड आई स्वेयर टू गॉड, वो एक काफी भयानक चेहरा था। उसकी स्किन काफी पेल थी, आंखें भी भयानक। मैं जल्दी से उठ गया और उस इंसान से कहा कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। ये कहकर मैं उस केबिन से बाहर निकला। उस इंसान ने कुछ नहीं किया, बल्कि जब मैं निकल रहा था मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और केबिन दिखाई दिया। उस केबिन पे नॉक करने पर मुझे एक बूढ़ी औरत और आदमी ने ग्रीट किया। ये लोग काफी वेलकमिंग थे, उन्होंने मुझे गर्म चाय भी दी। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई जो अभी मेरे साथ उस केबिन में घटी थी। उन दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे दो बार पूछा कि मैं एग्जैक्टली उसी केबिन की बात कर रहा हूँ। मैंने उसे विश्वास के साथ कहा कि हाँ, मैं उसी केबिन की बात कर रहा हूँ जो पहाड़ उतरते वक्त पहले लगता है। फिर उस औरत ने कहा, डियर, उस केबिन के मालिक का 2 साल पहले कत्ल हुआ था और उसके बाद से वो केबिन खाली ही है। मर गया मैं भाई, ये बहुत डेंजर था। सडनली मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई। मैं उस औरत से कभी नहीं मिली थी। उस औरत की एक 4 साल की बेटी थी। उस छोटी बच्ची का नाम यूकी था। उसके डैडी उस बच्ची को अकेले नहीं संभाल सकते थे, तो यूकी के डैडी ने मेरे आंटी को रिक्वेस्ट की उस लड़की को संभालने के लिए। यूकी अकेले नहीं रह सकती थी, वो मेरी आंटी के साथ ही चिपकी रहती थी, तो ये बात मेरे आंटी के लिए प्रॉब्लम बन गई थी।
मेरी आंटी यूकी को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। यूकी को कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती थी। इससे मेरी आंटी की बेटी भी यूकी से जेलस हो रही थी। एक दिन मेरे आंटी ने मुझे कॉल किया और कहा उन्हें 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है और उन्होंने मुझे यूकी को संभालने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने कहा इट वुड बी माई प्लेजर। मैं अकेली रहती थी और मेरे लिए 2 दिन के लिए कंपनी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मेरी आंटी ने यूकी को मेरे घर पे छोड़ा। जाते वक्त मेरे आंटी ने यूकी से कहा यूकी प्लीज बी गुड बिहेव योरसेल्फ। जब मेरी आंटी चली गई मैंने यूकी से बात करने की कोशिश की और उसके साथ कुछ गेम्स खेलने की भी कोशिश की, लेकिन यूकी का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। उसके पास एक छोटा सा टेडी बेयर था, वो उसे उसके पास ही रखती थी। यूकी ना स्माइल करती थी ना बात करती थी, वो बस एक कोने में बैठ के किसी भी चीज को स्टेयर करती थी। ये चीज मुझे काफी अनईजी कर रही थी। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो एंटरटेन हो। मैंने एक नया डिजिटल कैमरा खरीदा था। मैंने सोचा मेरा पुराना डिजिटल कैमरा मैं उसको खेलने के लिए दूं। जब यूकी ने डिजिटल कैमरा देखा वो बहुत खुश हुई। मैंने उसे बताया ये कैमरा कैसे यूज किया जाता है और वो मेरे अपार्टमेंट में कैमरा लेके हर जगह की तस्वीर खींचने लगी। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल थी। उस शाम मैंने रियलाइज किया यूकी से डील करना कितना डिफिकल्ट काम है। मैंने जब भी दूसरे रूम में जाने की कोशिश की वो मेरा नाम लेके रोने और चिल्लाने लगती थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, अदरवाइज वो बड़ा तमाशा कर देती थी। रात को सोते वक्त उसने जिद की वो स्पेयर बेडरूम में नहीं सोएगी बल्कि वो मेरे बेडरूम में ही सोएगी। मैंने उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाई और फाइनली वो सो गई। तभी मैंने उसके टेडी बेयर को नोटिस किया। उस टेडी बेयर का एक पाव पूरी तरह जला हुआ और काला था। इट मेड मी वंडर। बीच रात में ही मैं एक अजीब आवाज के वजह से उठी। जब मैंने पीछे मुड़ के मेरे बेड के साइड में देखा यूकी कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी बॉडी पूरी तरह शेक हो रही थी जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो घबराई हुई भी लग रही थी। मैंने उसे पकड़ा और पूछा क्या हुआ यूकी? वो मेरी तरफ फिर से देख रही है, यूकी ने कहा। कौन देख रहा है? मैंने सरप्राइज होते हुए पूछा। वो काली औरत, यूकी ने रिप्लाई किया। इसके बाद यूकी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने यूकी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो बस उसका इमेजिनेशन है, लेकिन वो अपना सर हिलाती रही। इसके बाद मुझे बहुत देर लगी उसे फिर से सुलाने में। अगले दिन यूकी फिर से नॉर्मल हुई। उसे मेरे कैमरा के साथ खेलने को बहुत मजा आता था। जब यूकी के घर जाने का समय आया मैंने यूकी से कहा वो उस कैमरा को रख सकती है। यूकी बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने मुझे हग किया। उसने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने उस छोटी बच्ची को मेरे आंटी के घर पे छोड़ा। मेरे आंटी ने यूकी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहा। मैंने मेरे आंटी के घर पे किचन टेबल पे बैठे हुए चिटचैट करते हुए काफी समय बिताया। तब मेरे आंटी ने कहा यूकी के मॉम के डेथ के बाद से यूकी ने आज तक एक भी शब्द नहीं कहा है। मैं अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने पूछा यूकी के मॉम की डेथ कैसे हुई। मेरे आंटी ने एक स्ट्रेंज लुक दिया। उन्होंने कहा यूकी के मॉम की डेथ एक फायर एक्सीडेंट में हुई। आग कैसे लगी? मैंने पूछा। पहले तो मेरी आंटी ने हेजिटेट किया ये बात बताने के लिए, फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे बताया कि ये काफी दुखद कहानी है। यूकी के मॉम ने सुसाइड की थी। उसने अपने आप के ऊपर रॉकेल डाला और खुद को जिंदा जला दिया। ओ माय गॉड, मैंने सरप्राइज होते हुए कहा। हाउ हॉरिबल। हाँ, मेरी आंटी ने कहा। उसकी फैमिली काफी शार्प थी। उन्होंने ये प्रेटेंड किया कि वो एक एक्सीडेंट था और उस चीज से मूव ऑन हुए। उन्होंने एक छोटा सा फ्यूनरल भी मनाया जहाँ पे बस क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया गया था। यूकी को भी वहाँ नहीं लाया गया था। यूकी को अभी तक ये पता नहीं है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसे बस ऐसा लगता है कि उसकी मॉम एक लंबे वेकेशन पे गई हुई है। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि यूकी को पता है उसकी मॉम की डेथ हुई है। बिचारी यूकी, मैंने मरमर किया। मेरे आंटी ने अपना सर नॉट करते हुए भी कहा बिचारी यूकी। उसके कुछ दिनों बाद यूकी की डेथ हो गई। मेरी आंटी यूकी का स्टबन बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उस रात मेरे आंटी ने यूकी को उसके बेडरूम में सोने के लिए फोर्स किया। यूकी बेडरूम डोर के सामने चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मेरी आंटी ने दरवाजा नहीं खोला और वो अपने रूम में सोने के लिए गई। अगली सुबह मेरी आंटी को यूकी मोशनलेस अपने बेड पे पड़ी हुई मिली। यूकी मर चुकी थी। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे हुआ। उसके पूरे बॉडी पे खरोंच भी नहीं थी। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था। वो काफी हेल्दी थी। उसकी डेथ उस रात एक मिस्टीरियस वे में हुई थी। यूकी के डेथ के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। फ्यूनरल के बाद मैं अपनी आंटी के घर पे वापस गई।
सभी लोग सैड थे। मेरी आंटी ने मुझे मेरा डिजिटल कैमरा वापस किया। मैंने भी यूकी को याद रखने के लिए वो कैमरा वापस लिया। मैं अपने घर पे आई। मेमोरी कार्ड उन सारी रैंडम पिक्चर्स से फुल थी जो यूकी ने ली थी। मैंने सैड होते हुए उन पिक्चर्स को ब्राउज किया। उस कैमरा में थे मेरे अपार्टमेंट के पिक्चर्स, मेरे आंटी के घर के फोटोज, पिक्चर्स फ्लावर्स के, पिक्चर्स चॉकलेट्स के, ऐसे रैंडम पिक्चर्स जो एक छोटी लड़की खींचेगी। उसके बाद मैं लास्ट पिक्चर पे आई। वो फोटो देख के मैं जैसे सुन्न रह गई। मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उस फोटो पे जो टाइम स्टैम्प था वो बता रहा था कि वो फोटो उस रात लिया गया था जिस रात यूकी की डेथ हुई थी। ये रहा वो लास्ट फोटो जो उस बेचारी यूकी ने मेरे कैमरा से लिया था। दो आंखें, डेंजर था। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय। बहुत डरावनी थी। बाय बाय।